अरे ममता, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही। अरे क्या बात है, बताओ तो। हाँ भाभी, बोलो तो, क्या दिक्कत है? ओ, छोटी ने हमें कुछ बोला है। क्या बोला है, बताओ तो। अरे इन्हें कौन क्या बोलेगा, ये तो ऐसे ही गंवारों की तरह पड़ी रहती हैं। कुछ नहीं, छोड़ो, जाने दो। नहीं भाभी, बोलो क्या बात है, क्या बोला उन्होंने? वो बोली कि मैं आपके भैया को छोड़ के मायके चली जाऊँ। अरे ऐसे कैसे? चलो, छोटी भाभी ने कुछ तो अच्छा बोला। ऐसे कैसे ये बोल दी? मैं अभी बात करता हूँ उससे। तुमने ममता को क्या बोला? कुछ नहीं, क्या बोली मैं उसे? कुछ तो बोला है जिससे उदास है। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। तुमने बोला उसे कि तुम छोड़कर चले जाओ मायके? अच्छा, तो उसने आग भी लगा दिया जा करके? ऐसी कोई बात नहीं है, वो बता तो नहीं रही थी, लेकिन हमने बहुत जबरदस्ती किया तब बताई। हाँ बोली तो। ऐसा क्यों बोली? मुझे नहीं रहना उसके साथ। हाँ तो ना रहो ना, क्या दिक्कत है? तुम अपने कमरे में रहती हो तो दिन भर बेचारे काम धाम करती रहती है। फिर भी हमें एक छत के नीचे दो सौतन के साथ नहीं रहना है, ये तुम फैसला करो कि वो रहेगी या मैं रहूंगी। अरे क्या बात करती हो तुम भी। तुम सोच लो, तुम्हें जो करना है वो करो। अब ज्यादा गुस्सा ना दिलाओ, ठीक है? शांति से रहना है तो रहो। मैं कोई गुस्सा नहीं दिला रही हूँ तुम्हें, बस बता रही हूँ कि मुझे नहीं रहना है उसके साथ, उस बांझ के साथ। हद है भाई तुम्हारे नखरे तो। हाँ अभी मेरा मूड खराब ना करो, मैं पार्टी में जा रही हूँ। ठीक है, जाओ मरो। अरे ननद जी आप? हाँ भाभी, मैं आई हूँ आपके पास। मुझे भी अच्छा लगता कि अगर वो गंवार यहाँ से छोड़ के चली जाती तो। हाँ मैं भी यही बोल रही हूँ, लेकिन मेरी कौन सुनने वाला है? भला कौन सौतन के साथ रहता है? हाँ वही तो, वही बात है, जब उससे बच्चा नहीं हो सकता तो उसे चले जाना चाहिए यहाँ से। हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। वाह, आज तो दारू पी के मज़ा ही आ गया। बहुत मज़ा आ गया भाभी, आज तो बहुत इंजॉय कर लिया हमने। हाँ अब तो मन कर रहा है यहीं सो जाऊँ, घर भी ना जाऊँ। हाँ भाभी यही तो। चलो सुबह चलते हैं घर पे। ठीक है भाभी, सुबह चलेंगे। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे तू कहाँ से आ गई यहाँ पे? सौतन कहीं की? छोटी ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो घर चलो यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। मैं बोल रही हूँ कि घर चलो चुपचाप से। अरे वो नहीं जाना चाहती तो क्यों उसे परेशान कर रही है? तुम चुप रहो छोटी, बीच में ना पड़ो। मैं क्या बीच में पड़ रही हूँ, मैं भी उसकी भाभी हूँ। अगर वो मेरे साथ जाना चाहती है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ मैं छोटी भाभी के साथ ही आऊँगी, तुम जाओ घर पे। नहीं छोटी, गलत बात है, तुम चलो यहाँ से। वो नहीं जाएगी, क्या कर लेगी? तुम ज़्यादा ना बोलो, जहाँ हो उस वहीं रहो, ज़्यादा चपड़ चपड़ ना करो तुम। मैं चपड़ चपड़ करती हूँ? तुझे बोलने की भी औकात नहीं है मेरे सामने और तू मुझे चपड़ चपड़ कह रही है, गंवार कहीं की? हाँ ठीक है, मैं गंवार ही सही, लेकिन छोटी चलो तुम यहाँ। अरे बाबा ये तो सिर ही खा जाएंगे। चलो छोटी भाभी मैं चलती हूँ, आप भी आना हो तो आओ, नहीं तो सुबह आ जाना। ठीक है चल, मैं भी चलती हूँ इस गंवार के साथ। सुन गंवार सौतन कहीं की, हम घर तो आ गए, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तेरी बात मान गई, सिर्फ छोटी के लिए घर पे चली आई इस टाइम। ठीक है। और मेरे बीच में ना, मेरे मामलों में तू पड़ा भी ना कर, समझ में आया ना? नहीं तो बोरिया बिस्तर बधवा दूंगी तेरा यहाँ से। क्या हुआ ममता, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं माँ जी। अरे क्या बात है, बताओ तुम। अब बुढ़िया तू क्या चपड़ चपड़ कर रही है, जा के बात करना है, तुम दोनों कमरे में बात करो, मुझे डिस्टर्ब ना करो, मेरा ऐसे ही सिर पक रहा है। ठीक है बेटी, अंदर चलो, बताओ क्या बात है। ओ माँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। क्यों, क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं माँ जी, मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती हूँ, थोड़ा मम्मी पापा से भी मिल लूँगी और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। अच्छा तो तू मायके जाना चाहती है? हाँ मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, तू रो ना, कल सुबह चली जाना अपने मायके। जी मम्मी जी, ठीक है। क्या हुआ ममता, तुम क्यों रो रही हो? अरे मैं कल मायके जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो जाने के लिए। अच्छा रो ना, चल चली जाना, तू घुमाना, तेरा भी मूड थोड़ा सही हो जाएगा। जी ठीक है। सुन गंवारन, अब जाना तो इसके बाद लौट के ना आना वहाँ से। ठीक है छोटी, तुम अच्छे से रहना और सभी का ख्याल रखना, मैं अब कभी लौट के नहीं आऊँगी। हाँ जा सौतन कहीं की, गंवारन एक नंबर की, तुझे तो देख के ही चिढ़ाती है, जल्दी से जा तू यहाँ से। ठीक है, नहीं आऊँगी कभी इस घर में लौट करके। नहीं आऊँगी ना, आया तो ही ना। हे भगवान, हमारी ही किस्मत में ऐसे क्यों लिखा था सौतन, क्या मुझे बच्चा पैदा करने का कोई हक नहीं था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किए भगवान। प्लीज़ आप सभी लोग बताइए कि क्या एक औरत का हक नहीं होता है माँ बनने का, क्या उसका सपना नहीं होता है माँ बनने का, भगवान ऐसा क्यों करते हैं औरतों के साथ। अरे बेटी तू, माँ आपकी बहुत याद आ रही थी मुझे। तो क्या हो गया, रो क्यों रही है, और दमाल जी कहाँ है? माँ वो घर पे हैं। क्यों, तुझे अकेला ही छोड़ दिया आने के लिए? नहीं माँ, वो छोटी के साथ। छोटी के साथ मतलब कौन छोटी? कुछ नहीं माँ, छोड़ो ये सब। अरे बता तो अब ये छोटी कौन है? माँ उन्होंने दूसरी शादी जो कर ली है।
दूसरी शादी? ऐसे कैसे दूसरी शादी कर लिया हो? तो क्या करते माँ, मैं तो माँ बन नहीं सकती, कोई तो चाहिए था घर में वंश चलाने के लिए। हाँ तो एक बार हमसे भी तो मर्जी लेनी चाहिए कि क्या हम चाहते हैं कि नहीं। जब मैं बीवी होकर के मेरी मर्जी नहीं चली माँ, तो फिर आपकी क्या चलेगी? चलो अच्छा ही है ना, कर लिए तो क्या दिक्कत है, कम से कम बच्चा तो आ जाएगा घर में। वैसे भी मेरी औकात ही कहाँ है, जिस औरत के बच्चा ना हो उसकी क्या औकात रहती है माँ। हद है, और तूने भी एक बार मुझे बताना उचित नहीं समझा। छोड़ो माँ, जो हो गया उसे हो गया, होने को कौन टाल सकता है। चल ठीक है, पूरा दिमाग ही खराब हो गया, अभी तेरे पापा को पता चलेगा तो क्या करेंगे। छोड़ो माँ, पापा से ना बताना अब ये सब बातें, जो हो गया सो हो गया। अरे ये छिपने वाली बात थोड़ी ना, आज नहीं तो कल पता तो चलेगा ही उन्हें। हाँ लेकिन अभी कुछ ना कहना पापा से। चल ठीक है, भगवान क्या करूँ मैं अपनी बच्ची के लिए। जाने दे बिटिया, उदास ना हो, तेरे माँ बाप जिंदा है, अगर कोई नहीं पूछेगा तो तू अब मेरे पास रह जाना। माँ ये तो बात है, रह जाऊंगी, लेकिन एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसका ससुराल ही सब कुछ रहता है, लेकिन हमारा नसीब कहाँ ऐसा, और मायके में भी रहना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं बेटी ऐसी बात नहीं है, अब तू यहीं रहेगी हमेशा, नहीं जाना वहाँ तुझे। हाँ माँ सोच तो मैं भी रही हूँ कि अब मैं यहीं रह जाऊँ। भाई क्या खुसुर फुसुर चल रही है माँ बेटी में, और ममता कब आई? अरे पापा आप आ गए। हाँ बेटी तुम कब आई? अभी आई, अभी मम्मी से बातें कर रही थी, पूछ रही थी कि पापा कहाँ हैं। अच्छा अच्छा चलो, और सब बताओ ससुराल में सब ठीक ठाक है ना? हाँ पापा वहाँ सब मजे में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मजे में है, हमारी बेटी की तो जिंदगी खराब कर दी है। क्या तुमने कुछ बोला रानी? अरे नहीं नहीं हमने कुछ नहीं बोला। और बेटी दामाद जी ठीक ठाक हैं? हाँ पापा वो भी एकदम मस्त हैं, आने को बोल रहे थे मैंने ही मना कर दिया, मैं बोली मैं अकेले जाती हूँ, घूम के आऊंगी, जब तक मन करेगा तब तक रहूंगी मम्मी पापा पास। अच्छा अच्छा चलो तुमने अच्छा किया आके, तुम्हारी मम्मी को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, काफी दिनों से उदास उदास रहती थी, हमेशा कहती थी बिटिया की याद आ रही है, बिटिया की याद आ रही है। अब चलो आ गई तो अब रहो, बिटिया साथ में रहेगी तो उनको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। जी पापा अब मैं आप लोग के साथ ही रहूंगी, जब तक मेरा मन करेगा तब तक। हाँ हाँ बेटी रहो तुम यहीं। कैसे कर लेती हो बेटी इतना सब कुछ बर्दाश्त? क्या करूँ माँ, करना पड़ता है, एक लड़की की जिंदगी रही क्या जाती है, बाप के सामने खुशी दिखाओ, ससुराल में अलग ही नाटक रहता है, आखिर एक लड़की कर क्या सकती है, समझ में नहीं आता माँ। हमारी जिंदगी ही ऐसी है कि जब चाहे किसी के सामने मुस्कुराओ, जब चाहे तब अकेले जाके रो लो, लेकिन किसी से कुछ कह ना सको, अगर कह दो तो फिर दिक्कत ही हो जाती है। जाने दे बिटिया रोना, हम तुम्हारे साथ है ना, तू परेशान ना हो। जी मम्मी अब हमारा नसीब ही जो जहाँ लिखे रहेगा वही ना होगा। कोई बात नहीं जाने दे। माँ क्या हम कभी खुश नहीं रह सकते? अरे नहीं बेटी क्यों नहीं रह सकती, तुम्हारे भी दिन आएंगे और अच्छे दिन आएंगे, और मैं लाऊंगी तुम्हारे अच्छे दिन। क्या करोगे माँ, जिसकी सौतन आ गई हो उसके अच्छे दिन कहाँ से आ सकते हैं। आएंगे बेटी, अगर सौतन आ गई हो तो क्या दिक्कत है, हम तुम्हारी दूसरी शादी कराएंगे। नहीं माँ मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी, अब रहना मुश्किल है, जाने दो, भले ही यहीं मायके में रह जाऊंगी क्या दिक्कत है, लेकिन कम से कम उन्हीं के तो बन के रहूंगी। ये बेवकूफी है बेटी, अगर वो नहीं समझते तो तू क्यों समझेगी उनके बिना, वो रह सकते क्या तेरे बिना जो तू रह रही है उनके बिना। नहीं रहना है, मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगी, जैसे ही टाइम मिलता है तेरे पापा से बात करती हूँ, तू परेशान ना हो और मुझे रोकना भी ना। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे।